हेलो दोस्तों, मैं चंदू साहब का बंधु। हेलो दोस्तों, मैं पंकज। दोस्तों हाजिर है नए चैलेंज में, जो कि स्विगी जोमैटो स्टाइल छोले चावल ईटिंग चैलेंज। और दोस्तों जिसमें से हमारे पास है चार बड़ी बड़ी थाली भर के छोले चावल, देख सकते हैं आप, ये काफ़ी बड़ी बड़ी थाली भर गए। और हमने ये मंगाए थे, ऑनलाइन मंगाए थे, जो कि आजकल ऑनलाइन चल रहा है स्विगी और जोमैटो। और हमने ये दो जगह से मंगाए थे और दोनों हमें अच्छे लगे, अलग अलग रेस्टोरेंट से मंगाए थे, दोनों ही हमें अच्छे लगे, तो हमने ये मिक्स कर लिए हैं। अब खाने में मज़ा आएगा इसे, और खुशबू तो कुछ भी कहो बहुत ही मस्त आ रही है। अभी खा के मैंने चेक नहीं किया है, पर देख के ही मज़ा आ रहा है। और दोस्तों जो इसकी जो प्राइस है, हमको कम से कम 150 रुपये की एक प्लेट पड़ी है, चार प्लेट हो गई 600 की। तो दोस्तों ये कम से कम हमको 150 रुपये की एक प्लेट पड़ी है, चार प्लेट 600 रुपये की हो गई। उसमें से भी ऑफर मिल गया था, तब 150 की पड़ी थी। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो इनको घर पे बनाते हैं तो थोड़ा सस्ता तो पड़ता, पर जो इनके बराबर टेस्ट नहीं बनता। जो ऑर्डर करके जो खाना रेस्टोरेंट से मंगाया है, ये टेस्टी है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, देखने में भी खुशबू भी अच्छी आ रही है इसकी, और हम इसको घर पर बनाते तो अच्छा नहीं बन पाता। तो दोस्तों चंदू भाई के ही घर का अच्छा नहीं बनता हुआ, मैं बनाता हूँ अपने घर पर, तो मेरे को तो घर का पसंद है, घर का टेस्ट ही अलग होता है घर के खाने का। दोस्तों आपको भी पता है पंकज भाई, घर का खाना टेस्टी तो बनता है, वो मुझे भी पता है, पर जो डेली खाते रहते हैं ना, वो लग नहीं पाता कि टेस्टी है कि नहीं। होटल का खाना या रेस्टोरेंट का कभी कभी खाते वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। नहीं चंदू भाई, मुझे तो घर का ही पसंद है, घर के खाने में मज़ा ही आ जाता है। होटल का तो मैं एक आधी चीज़ खाता हूँ, वैसे ज़्यादातर खाना मैं घर का ही खाता हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो हमने इससे पहले बेड़ी और जलेबी की वीडियो जो बनाई थी, उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन पे एक आंसर पे, उस क्वेश्चन के आंसर पे जिसे जिसका आंसर हमें अच्छा लगेगा उस पर हमने एक गिफ्ट रखा था। अभी आपके पास अभी भी मौका है, उस वीडियो का रिजल्ट मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें रिजल्ट बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपके पास अभी भी मौका है गिफ्ट पाने का, अगर आप गिफ्ट पाना चाहते हैं तो पिछली वाली वीडियो में जाके जरूर देखें कि हमने क्या क्वेश्चन किया था, उसका आंसर आप बता सकते हैं। आपके पास अभी भी गिफ्ट पाने का मौका है, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं आप। तो पंकज भाई, पिछली वाले वीडियो में आपने क्वेश्चन पूछा था, तो इस वाली वीडियो में भी पूछ लो, कोई क्वेश्चन कर दो। पहली वाली वीडियो का तो चंदू भाई हो जाएगा पूरा, नहीं तो इसका तो रिजल्ट अगली नेक्स्ट वीडियो में आ ही जाएगा, इस वाली वीडियो में देख लो, इसका रिजल्ट हम दो दिन बाद कर देंगे। तो चंदू भाई कह रहे हैं, तो दोस्तों इसमें भी मैं एक क्वेश्चन कर ही ले रहा हूँ, अगर आप आंसर दोगे, जिसका भी आंसर मुझे अच्छा लगेगा उसे भी मैं गिफ्ट देने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपको एक महीने तक पर डे 1,00,000 रुपये मिले और अब वो आपको खर्च करने हैं, आप उन्हें रख नहीं सकते हो अपने पास, रोजाना चाहे खाओ पियो ऐस करो या घूमना फिरना खर्च कर सकते हो, शॉपिंग भी करोगे, जैसे शॉपिंग में कुछ घर पर नहीं लाने दिया जाएगा, वो आपसे वापस ले लिया जाएगा, बस खर्च करने हैं आपको पर डे 1,00,000 रुपये एक महीने तक। तो आप ऐसा क्या करोगे, एक महीने तक 1,00,000 रुपये का पर डे 1,00,000 रुपये का क्या करोगे, ऐसा क्या खर्च करोगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिसका भी आंसर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसे गिफ्ट देने वाला हूँ। और गिफ्ट में बता दूँ आपको, इसमें भी मैं आपको 200 रुपये पेटीएम करूँगा, और देर ना करते हुए जल्द से जल्द अपना कमेंट करें और अच्छा सा अच्छा आंसर देने की बताएं, आपके मन में क्या है, आप क्या करोगे, सोच के बताएं और समझ के बताएं। तो दोस्तों आने वाले को मिलेगी हमेशा की तरह सजा, दिन ना करते चैलेंज शुरू करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट।
छोले में नमक ज़्यादा हो गया। दोस्तों आज का बाकी में बहुत ही हार्ड हो गया, इतनी उम्मीद नहीं थी। ऐसा ऐसा कर रहे हैं चंदू भाई, ऐसा नीचे से अब मैं टेस्ट करने आया दोस्तों, मैं टेस्ट करने खराब हो गया तो दोस्तों आज तो हालत खराब हो गई। बाकी मैं बता दो बहुत हालत खराब हो गई मेरे, तो पता नहीं समझ में नहीं जा रही, इतना खा लिया आज बहुत थे वो दोस्तों, लग बिल्कुल लग तो काफी कम रहे थे पर वो काफी ज्यादा थे। और मैं से भी मैं बता दूं, मेरी तो तबीयत ही खराब थी, जुकाम नाक बंद हो रही है, तो उसके बाद भी खाने पड़े तो हालत खराब हो गई आज मेरी, अब तो सांस भी नहीं ली जा रही। ऐसा लग रहा है किसी ने चावल को ठोस कर करके पेट में जबरदस्ती ठोक ठोक के हटोड़े से घुसेड़ दिए क्या। चंदू भाई के लिए सजा में एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आया हूँ, जिससे चंदू भाई की तबीयत खराब नहीं होगी। आपको पता है नींबू से पच जाता है, तो चंदू भाई के लिए मैं नींबू लेके आया हूँ और साथ में लहसुन भी लेके आया हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों नींबू का जो रस होता है ना वो ज़्यादा खट्टा होता है, चंदू भाई को सर्दी ना करे इसलिए वो मैंने निचोड़ के अपने छोलों में डाल दिया था दोनों, और ये छिलका छिलका बचा है, ये चंदू भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, चंदू भाई को ये खाना पड़ेगा। और ये 5 लहसुन की गांठ है, ये बिना छीले खानी है चंदू भाई को, और ज़्यादा टफ सजा नहीं है आज की, बहुत ही ईजी सजा लेके आया हूँ चंदू भाई के लिए, क्योंकि मैं चंदू भाई की काफ़ी फिक्र करता हूँ, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ था इसलिए ज़्यादा टफ सजा नहीं लेके आया हूँ। और चंदू भाई मैं बता दूं आपको, ये खानी है ना कि निकलनी है, ये खानी है ना कि निकलनी है, जे 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 ही चीज मत किया करो देखो सजा में। हाँ तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा निकलना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकलेगा। तो दोस्तों मैं अपनी सजा स्टार्ट करता हूँ, और जे गलती से निकल भी मत ले जाना, नहीं जे होता है ना जे देखो ये फंस जाएगा फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऑपरेशन करना पड़ सकता है तुम्हारा फिर, वो जो वो होते हैं ना शरीर के जो निकालने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ फंस जाता है। और दोस्तों आपने पिछली वाली वीडियो में जो कमेंट किए मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया पढ़ने में, बहुत ही आपकी सोच देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि आप इतना सब कुछ सोचते हो, बहुत से बंदों ने देश के ऊपर कहा तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इसमें भी आप कमेंट करिए और अच्छा लगेगा दोस्तों, और टेंशन मत लीजिए नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और चंदू भाई बेईमानी मत करो, देखो थूक रहे हो तुम, सजा को फेंक रहे हो, ईमानदारी से करो। तो दोस्तों इस वीडियो में भी जितना हो सके उतना अपना कमेंट करके मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए और जवाब दीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। चंदू भाई की तो आज हालत ख़राब होगी दोस्तों, और जो ये वाली वीडियो देख रहे हैं जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो पहले वाली वीडियो में ज़रूर जाएँ, और जाके गिफ्ट आपके पास मौका है गिफ्ट लेने का तो मौका ना गंवाएं, मेरा यही कहना है, फिर आपकी मर्जी है। तो चंदू भाई ने अपनी सजा पूरी कर ली। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और लाते रहेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो। और जब तक के लिए बाय,
मिलते हैं अगले चैलेंज में। अगला चैलेंज इससे भी धांसू लेके आऊँगा। और चंदू भाई की मुझे उम्मीद है चंदू भाई की अगले चैलेंज में तो हालत ख़राब करने वाला हूँ। जब तक नहीं हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं चंदू सबका बंधु। हेलो दोस्तों, मैं पंकज। दोस्तों आज नए चैलेंज में जो कि स्वैग स्वैग यो ऐसा करना जो कि स्वैग स्वैग। हेलो दोस्तों, मैं चंदू सबका बंधु। हेलो दोस्तों, मैं पंकज। दोस्तों आज नए चैलेंज में जो कि स्वैगी जोमैटो दाल चावल छोले चावल